तो ये टॉपिक बेसिकली यही होता है कि भाई एक्सप्रेस करना होता है पहले ना, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, एक्सप्रेस आर साइन थीटा आर साइन ए माइनस बी में करना होता है, या उसमें वो करना होता है क्या कहते हैं कॉस में करना होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने की अब टेक्निक याद रखने कि भाई पहले तो आसान सा है, साइन और बी कॉस थीटा आर साइन थीटा प्लस अल्फा है, टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ सेकंड वाले को, क्योंकि इसमें होगा क्या कि एक तो माइनस आएगा साइन यहाँ पे और ये ए अपॉन बी होगा, राइट। इसको लिख दिया हमने, इसको देखते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि याद तो उसे करना है। तो क्वेश्चन लेते हैं पास पेपर से, ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई एक्सप्रेस करना है आपको थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस अल्फा, चाहिए। ओके भाई, अब इसको और क्या कह रहे हैं भाई, स्टेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर, और देखिए इसका ख्याल कीजिएगा डेसिमल प्लेसेस का, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट पार्ट वन। पार्ट वन में जो है ना, इन्होंने देखिए सवाल कॉपी कर लेते, थोड़ा सा थ्री साइन थीटा दिया हुआ है प्लस टू कॉस थीटा दिया हुआ है, इसको आपको इसमें लेके आना है आर साइन थीटा प्लस अल्फा। तो चलो आर निकाल लेते हैं डायरेक्ट पे, आर का फॉर्मूला क्या था इसके अंदर, या सॉरी फॉर्मूला अगर रिकॉल करें, फॉर्मूला क्या था ए ए साइन, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हाँ नहीं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, सॉरी ये किसके लिए बराबर था, आर साइन आर साइन थीटा प्लस थीटा वन प्लस थीटा अल्फा प्लस अल्फा, ओके। और आर क्या था यहाँ पे, ओके। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ आर तो ना सबके लिए सेम ही है, चारों फॉर्मूले में हमने देखा हुआ आर सबके लिए सेम क्या हुआ, मैंने जी देखा है ना। और लेकिन क्या है भाई, इसमें टेन इनवर्स टेन इनवर्स का घपला है, क्या होता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन इनवर्स क्या था भाई, ये बी अपॉन ए नहीं है, ए अपॉन बी है, बी बी क्या था, अपॉन ए बी अपॉन बी ए, अपॉन ठीक है। चारों फार्मूला लिखवाए ऊपर मैंने, और यहाँ पे ये शो करवा दिया था आपको, बता दिया था ना चारों फार्मूले मैंने, हाँ। यस सर तो इसमें ये पहला वाला फार्मूला अप्लाई हो, ठीक है भाई। चलो तो ए जो है ना बेसिकली साइन के कोफिशियंट है, तो ए क्या है यहाँ पे फिर, व्हाट इज ए, थ्री ए थ्री है, ये ए साइन के कोफिशियंट है, ये रहा बी आपके पास कॉस का कोफिशियंट है जो कि टू है, राइट। तो ठीक है भाई, अब तो काम हो गया आराम से, आर आ गया आपके पास, आर क्या आया भाई, स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, कितना आ गया बता दीजिएगा। अंडर रूट 13 अंडर रूट 30, अच्छा अल्फा की वैल्यू को देना है आपको डेसिमल प्लेस में, इसको नहीं देना है आपको, आर को नहीं देना है आपको, कह रहे हैं एंड गिविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू को टू डेसिमल में देना, आर को नहीं देना, वहाँ आर को ऐसे छोड़ देंगे आप, क्या ख्याल है, एग्जैक्ट वैल्यू बोला हुआ है ना, यस अंडर रूट के अंदर दे देंगे आप अंडर रूट 13। फिर उसके बाद आप करेंगे जनाब टेन इनवर्स, अल्फा के लिए काम करेंगे हम, टेन इनवर्स क्या है, अल्फा है ना, अल्फा इक्वल टू, यस सर सॉरी अल्फा इक्वल टू, मैं गलत किया, बस चलो भाई अल्फा निकालते हैं यहाँ पे। टेन इनवर्स क्या था भाई, बी ओवर ए, टू ओवर थ्री, क्या आ गया बताइए, थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स नाइन पूरा आपने राउंड ऑफ करके टू डेसिमल प्लेस बता दिया, यस सर ओके। एंगल वैसे एंगल तो वन डेसिमल प्लेस में, तो लेकिन इसने यहाँ पर आपको डिमांड की हुई आपके साथ। चलो भाई अब ये हो गया, तो अब आप कह रहे हैं यहाँ पर देयर फॉर वी कैन से कि थ्री साइन थीटा, ये था ना सवाल ओरिजिनल, प्लस टू कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 13 साइन थीटा प्लस अल्फा था ना फॉर्मूला हमारा, अल्फा के लिए अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए आप 6.9। तो ये जनाब हो गया आपका फाइनल आंसर, मार्किंग स्कीम वगैरह चेक कर लीजिएगा मार्किंग स्कीम में, या मैं निकाल दूँ मार्किंग स्कीम मैं देख लीजिएगा प्लीज। यस सर सही है ठीक है ना, ओके। अब असल में ना, इसमें असल में होता यह है कि फॉर्मूला हो ना,
पता नहीं आपके स्कूल में कितने फॉर्मल बताए थे, चारों बताए थे एक या दो? चारों बताए थे ना, बहुत सारे मेथड होते हैं इससे करने के सर। तो एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट में फिर वही होता है बच्चे को फिर बाद में ना भूल जाता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। चार फॉर्मूला को याद कर लें आप उसके अच्छे से, चार में कोई याद करने में प्रॉब्लम नहीं है, आर तो सबका सेम है ना। टेंजेंट इनवर्सिटी थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको बस, कि टेंजेंट इनवर्सिटी क्या कहानी है, बी अपॉन ए और बी अपॉन, अच्छा लास्ट में फॉर्मूला देखिए जरा प्लीज, लास्ट में बी जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ साइन दीजिए, देखा देख लिया आप? यस सर। हाँ ये यानी कि बड़ा यानी कि एहतियात रखनी फॉर्मूला याद करने में आप, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई एक और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी सेकंड पार्ट सर, जब हाँ जब ये फॉर्मूला में अगर कोएफिशिएंट माइनस बी है लेकिन हम टैन इनवर्स के साथ पॉजिटिव बी लेंगे, हाँ साइन के बगैर, ठीक साइन के बगैर ना, राइट। अच्छा अब क्या है भाई उसके बाद फिर, और क्या कहते हैं भाई इसके बाद और की चीज लगेगी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करें ओके पार्ट बी इसे सॉल्व करना है। 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि सॉल्व करें क्या इक्वेशन थी, क्या थी भाई सॉल्व करना है आपने? अच्छा हैंड्स का मोड लगाया हुआ है ना, मतलब ऊपर का रिजल्ट यूज करना है आप, एंड सॉल्व और कह रहे हैं 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और आपको रेंज दिया हुआ है जनाब थीटा इज 180 डिग्री। अब महा यस सर, इसमें देखें अब देखिए मैंने आपको कहा था अगर दो डिफरेंट वेरिएबल होता है साइन कॉस नॉर्मली टेंजेंट बनाने का होता है, लेकिन इसमें आप कितनी ही कोशिश करें आपका टेंजेंट नहीं बनेगा, टैन नहीं बन सकता, टैन थीटा नहीं बन सकता। तो असल में जब हैंड्स का दिया हुआ ना वर्ड, हैंड्स मीन्स यही होता है कि आपने यूज योर प्रीवियस रिजल्ट, आपने ये रिजल्ट यूज करना है ये जो आया हुआ है देख रहे हैं, yes. ये रिजल्ट यूज करें और फिर कर लेते हैं काम स्टार्ट। तो ओके फ्रॉम पार्ट वन, पार्ट वन में हमने पालेंगे रिजल्ट, ये इसके राइट साइड उठाएंगे हम, ये पूरी जो साइड है ना ये क्या है भाई स्क्वायर रूट 13 साइन थीटा प्लस 33.69 है जनाब इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये हो गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 13 साइन थीटा प्लस 33.69। अच्छा एक बहुत खास बात करनी पड़ेगी आपको याद, और जो है ना इसके अंदर क्या है भाई 1 ओवर 13 हो गया, और क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लेते हैं भाई 180 ऑल पॉजिटिव हो गया, ये पहला और दूसरा लेंगे ना, एक पहले एक मिनट एक मिनट रेंज तो चेंज करने पड़ते हैं, वहां ये एंगल का चेंज करना पड़ेगा आपको पता है, यस सर, क्योंकि इसका एंगल चेंज है ना ऐड करना पड़ेगा। तो ओके हमारे पास क्या दिया हुआ है जीरो से लेके, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें वो आइडेंटिटी नहीं लगानी, कौन सा आइडेंटिटी कौन सी वाली वो, हाँ ऐसे पता चलेगा कि देखिए पहली बात तो ये यहाँ साफ लिखा हुआ हैंड सॉल्व दिस, नहीं सर साइन थीटा प्लस 33.69 पर साइन थीटा कॉस थीटा वाली, अच्छा तो ऐसे पता चलेगा आपको इसमें इसलिए नहीं लगानी कि अगर आप वो लगाने लग गई तो वो तो आपने एक्सपेंड कर दिया ना, वो तो साइन साइन भी शामिल हो जाएगा कॉस भी शामिल हो जाएगा, जबकि सॉल्व करने के लिए सिंगल आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, तो हम इसको एक्सपेंड क्यों करेंगे, वही बात समझ में नहीं, अगर आप एक्सपेंड कर दिया तो और गड़बड़ हो जाएगी जनाब, साइन भी आ जाएगा कॉस भी आ जाएगा, ठीक है ना, हमें तो उससे अवॉइड करना होता ना, हमें सिंगल लानी होती, ठीक है। अब क्या ये एंगल कितना है, ये 33.69 है, तो आप ऐड कर लेंगे इसको चेंज करने के लिए, ऐड आप करेंगे 33.69 तो ये हो जाएगा 33.69 हो जाएगा यहाँ पे, ये थीटा जो है प्लस हो जाएगा 33.69 हो जाएगा, और ये हो गया जनाब 180, ठीक है। ये आपके पास इसकी हो गई नया उन्होंने अब आपको वो दे दिया एंगल की रेंज, ठीक है। चलो भाई अब क्या हो गया,
180 प्लस 33.9 क्या हो जाएगा वहाँ? 213.69 हो गया केवल। चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर वन को नीचे कॉपी करते हैं और सॉल्व करते हैं। साइन आपको समझ में आ गई वही वाली बात साइन अल्फा प्लस बीटा वाली थी राइट। अच्छा अब हमारी रेंज हो गई बढ़ गई है रेंज 200 पे आ गई है तो थर्ड क्वाड्रेंट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एट सुपर। तो साइन पॉजिटिव किस किस में होता है भाई? दो ही में होता है साइन पॉजिटिव, फर्स्ट में होता है सेकंड में होता है ठीक है पॉजिटिव है ओके। थीटा प्लस 33.69 इक्वल्स टू साइन इनवर्स। हाँ भाई इस पूरे को ना हम अल्फा अज्यूम करेंगे पूरे 16.1 और बोलिए टू डेसिमल प्लेस तक बोलिए कम से कम 16.10 ओके चलो 16.1 ही होगी एक तरह से देखो तो फाइनल वन डेसिमल प्लेस देना होगा ना ओके okay, भाई ये डायग्राम देख रहे हैं इसमें पहला और दूसरा बता रहे हैं वहां पे तो एक तो वैसे ही आ जाएगा एक 180 से माइनस कर देंगे ऐसे ही है yes. ये भी अल्फा हो गया यहाँ पे यहाँ पर अल्फा हो गया और इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड आपके पास आ गया है जनाब वन जीरो आ गया और दूसरा वाला आ गया 180 माइनस। हाँ भाई क्या आई वैल्यू अल्फा की? 163.9 160 ये इसके 180 में से माइनस किया आपने यस राइट। अच्छा जी अल्फा को हमने क्या अज्यूम किया था भाई? थीटा प्लस 33.69 थीटा प्लस 33.9 तो ये माइनस हो जाएगा फिर तो जब ये माइनस हो जाएगा तो एक माइनस का जो आंसर है वो तो फिर आएगा भी नहीं इसके अंदर क्या फिर है ना। तो चलो ये करते हैं तो ये करते हैं इसको 163.9 तो थीटा आ गया आपके पास 16.1 माइनस 33.69 एक ये आ गया जनाब एक आपके पास आ गया 163.9। अच्छा डेसिमल ना बीच में लगाया था नीचे लगाया जाता है डेसिमल यहाँ पे इधर माइनस 33.6। हाँ भाई क्या क्या रही वैल्यू बताइएगा थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? थीटा की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव -17.59 और दूसरी वाली अब मसला पता क्या है? देखें थीटा की थीटा की जो रेंज थी ना वो थी 180 जैसी था ना जीरो से 180 थी याद आया yes. तो यहाँ दिया भी हुआ दिखा भी दो आपको मैं इसको सॉल्व करना था इसके लिए करना था जीरो से 180 का लिखा हुआ दिया था क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया भाई हमारा फाइनल आंसर क्या होगा भाई? 130.21 ठीक है द कॉन्सेप्ट 130.21 ये था इसका कॉन्सेप्ट इस वाले टॉपिक का। आई बात समझ में? यस सर राइट आसान सा टॉपिक है असल में ये जो ना महा ये देखिए r ग्रेटर देन 0 भी दिया हुआ है ना यहाँ पे यस सर तो ये बात ध्यान में रखिएगा ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी वैल्यू पॉजिटिव हाँ ये बात ख्याल कर लीजिएगा आपके भाई ग्रेटर देन 0 मींस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी आपकी और अच्छा भाई राइट ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब इस तरह के सवाल आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आते हैं डिफरेंट डिफरेंट यानी ये समझे शेप को बदल के आते हैं वो ना अजीब अजीब शेप
अजीब तो नहीं कहूंगा मैं, खैर मतलब ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग, ओके एक्सपेंड करना है आपको और एक्सप्रेस करना है जनाब इस डिलीज इन द फॉर्म। पहले तो एक्सपेंड करना है ना, पहले सब बातें छोड़े, सबसे पहले एक्सपेंड करें बस आप, ठीक कुछ ना सोचें आप, ये करना राइट ठीक है। तो भाई एक्सपेंड करने के लिए पार्ट वन में सॉल्व होने जा रहे हैं, आपके पास ये दिया हुआ है कि कोसाइन ऑफ एक्स प्लस 45 डिग्री। हाँ भाई कॉस का फॉर्मूला याद है ए प्लस बी वाला? यस सर। क्या होता है बता सर, ये बल्कि यहाँ से उठा कॉस एक्स। हाँ चल एक सेकंड मुझे बताइए तक, यानी क्या क्या हो जाएगा भाई कॉस कॉस एक्स कॉस 45 कॉस 45 माइनस माइनस साइन एक्स साइन 45 साइन एक्स और साइन 45। चल एक ये इसका पीडीएफ जो किसी को भेजना पड़ेगा, मैं फॉर्मूला भी कॉपी कर लूँ यहाँ से। कॉस कल लिखवाया था मैंने फॉर्मूले कॉस अल्फा प्लस बीटा, यस कहाँ लिखा है शुरू में लिखवाया था। हाँ ये रहे, ये आपके पास दिया हुआ ना यहाँ पे, बल्कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी, आपने माइनस बोला प्लस बोला? माइनस अगर प्लस होगा तो माइनस साइन ए साइन राइट, माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, तो दो कॉस आएंगे और एक दो साइन आ जाएंगे जनाब। कहाँ गया भाई ये रहा, सही है भाई राइट। अब क्या करिएगा कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, वन ओवर स्क्वायर रूट टू होती है शायद, चेक करें सर्च में रहने दें अंडर रूट टू ओवर टू, क्योंकि आगे अंडर रूट टू की बात कर रहे हैं। हाँ अंडर रूट टू ओवर टू, अंडर रूट टू ओवर टू ओके। चलो कॉस एक्स ठीक है लिख दें उसको, कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर में आप कोई भी वैल्यू लिख दें, कॉस 45 जो है तो दोनों बराबर होता है, अंडर रूट टू ओवर टू भी इक्वल होता है या वन ओवर अंडर रूट टू भी होता है ठीक है। ओके खैर कोई भी लिख दे वो टेंशन नहीं है वहाँ ठीक है। यस सर। क्योंकि कुछ कहा हुआ कि उसने यहाँ नहीं डेसिमल प्लेस ही कहा हुआ है ना, लिख दिया वन रूट टू ओवर टू, क्या मसला है कोई रास्ता नहीं। डॉट अच्छा ये कॉस एक्स अलग है जनाब और ये अलग है, वो इसका एंगल नहीं है तो अलग अलग मेंशन करते हैं। साइन की भी शायद यही होती है, साइन 45 की शायद यही होती है सर। तो साइन एक्स टाइम्स अलग अलग है ना, ये एंगल अलग है वो अलग। ओ पता है क्या, अच्छा नहीं कोई खास खास फॉर्म में तो नहीं लाना ना इसको, नहीं बस एक्सपेंड करना है। अच्छा भाई इसको आप एक्सपेंड करें तो फिर क्या आएगा भाई, ये आ गया ना हमारे पास, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ये इसका कोफिशिएंट हो गया ठीक है ना, ये एक्सपेंड कर दो ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। इसकी मार्किंग स्कीम है निकली हुई आपके पास? यस सर मैं खोलती हूँ। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपका कॉस एक्स ओवर स्क्वायर रूट टू माइनस थ्री ओवर टू टू साइन एक्स आए और इक्विवेलेंट आए, और इक्विवेलेंट ठीक है ना, तो पता ये हमारे हमारे आंसर के इक्विवेलेंट ही है। मैं आपको समझाऊँ कैसे, हमारा आंसर ये आया हुआ है ना और उनका आंसर क्या आया हुआ है, आंसर क्या आया हुआ है अंडर रूट टू आया। देखिए मैं बताऊँ कैसे, पता है क्या, वैसे तो सही है आपको 100% मार्क्स दे रहे हो लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कि आप ने देखा आपने कहा भाई आंसर तो मैच हो ही नहीं रहा है ना, देखें असल आंसर मैच हो रहा है। अगर मैं रूट टू और रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ जनाब ओके कॉस एक्स कोफिशियंट को क्या होता है देखिएगा, कॉस साइन वाले को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ ठीक है, वैसे ये 100% सही है ओके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मार्किंग स्कीम का आंसर हमारा yes. बिल्कुल मैच कर रहा है 100%।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब √2 √2 हो जाता है, यू नो √2 √2 हो जाता, पता है? यस सर। नहीं तो कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, हाफ आवर होती है ना, √2 √2 sin x होती है। कैंसिलेशन आप कर देते हैं अगर, तो क्या होगा, 2 × 2 = 2 × 2 = 2 तो नाउ इट विल बी 1/√2 cos x −1/√2 sin x। ये मार्किंग स्कीम से मैच हो रहा है, यही था कुछ और ना? सवाल हमने सही उठाया है कि सवाल क्या मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन नंबर 7 है ना? ओके यस सर। क्या नहीं, कोई देख लेते हैं भाई। हाँ cos x/√2 ये तो सही आ रहा है, −3/√2 आ रहा है भाई, −3/√2 sin x आ रहा है। अच्छा तो एक मिनट, क्यों गलत आ रहा है? नहीं बात सुने, ये तो वो उसने फिर वो कहा ना, एक बोला क्या वो इसने आप, हाँ ये इसके तो एक नंबर मिल गए ना, सुना ये इसके तो एक नंबर आ गए। अब ये फिर आगे, यानी कि ये फिर आगे चलेगा काम, ये आगे काम चलेगा, वो उसका है, उसका काम आगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या है। इसके तो 1 मार्क्स आ गए ना सब बोलने, ठीक है तो राइट ये तो वो आगे 1/√2 ऑफ इसके, इसके तो 1 मार्क्स मिल गए हैं आप, इसके 1 मार्क्स मिल गए आपको। यहाँ तक बिल्कुल बात सही थी, आपने ये कर लिया, ये भी ठीक है, एक्स्ट्रा वर्किंग है ये, राइट, ये जरूरत नहीं थी, नो नीड, लेकिन फिर भी ये सही है, टैली हो रहा है वहाँ बाकी सीट में, दिखा दूँगा उसके आपको एक नंबर मिला है। तो खैर वहीं तक हम रह जाते तो सही था, चलो खैर अब क्या करना है भाई, अब जो है ना आप क्या बोल रहे हो, देखें क्या कह रहे हैं, पढ़िए एक्सप्रेस वहां देखे बोले एक्सप्रेस कॉस एक्स प्लस 45 माइनस साइन एक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, समझ नहीं मतलब, यस तो ओके अब हमें अब क्या करना है, हमें अब हमें करना है कह रहे हैं यहां से एक्सप्रेस, अब हम एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं कॉस कह रहे हैं एक्स प्लस 45 माइनस √2 sin x इन द फॉर्म आर कॉस एक्स प्लस अल्फा, इस फॉर्म में लेके आना जनाब, ठीक है? तो देखें और से क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको तो ले लिया आपने नीचे, तो जब मैं इसको लेता हूँ नीचे और मैंने यहाँ पर लिखा कि therefore cos x plus 45 minus √2 sin x, ठीक है ना, इक्वल टू, सुने ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट cos x plus 45 पे ये वाला, ये इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है? तो क्या हो, क्योंकि इसको मैं एक्सपेंड कर चुका हूँ, ठीक है भाई, ये लिखा मैंने और एक ये रहा −√2 sin x, बोले कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। नहीं, अब r की फॉर्म में लाने के लिए हमें r की फॉर्म लाना है ना, r की फॉर्म लाने के लिए cos असल में क्या होता है, cos और sin होना चाहिए ना। अब मैं इसको करूंगा जनाब r की फॉर्म में, देखिए और कैसे, 1/√2 cos x और इसमें अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या कॉमन ले लिया भाई, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया और 1/√2 2 × 2 हो जाएगा तो अगेन 2 हो जाएगा प्लस √2 sin x, ठीक है ना? अच्छा ओके हाँ सही, एलसीएम ले लिया था आपने, वो भी सही, वो भी सही, ये भी सही, दोनों चीज सही है, ठीक है? यानी कि ये हो जाएगा −3 √2। कैलकुलेटर में आपने हाँ क्या बोला था, -3 / √2
साइन एक्स, ये कहा था ना आपने? यस सर। राइट, और यही फॉर्म आ रही थी इसके बाद आ रही थी, यानी कि एक्सपेंड करने के बाद आ रही थी, ठीक है जनाब। अच्छा भाई ये आ गई फॉर्म, तो भाई ये वो फार्मूला जरा रिकॉल कर लें, कॉस और साइन वाला, वो चौथा फार्मूला था शायद वो। यस सर, कॉस और साइन वाला, ये भाई टिप्स ले रहा हूँ, ये है ना चौथा वाला, ये वाला फार्मूला था जनाब। तो मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे, सही है भाई, ये हमने कर लिए कॉपी फॉर्मूला। अच्छा ये था किसके इक्वल था, ये था हमारा कॉस एक्स 45 इसके इक्वल था। अभी ये आर की फॉर्म आई नहीं, अब आने जा रही है। यस बताइए ए क्या है और वो क्या है? A is 1 upon under root 2. ओके ये रहा, बाकी यहाँ ही लिखता हूँ ना, A ये रहा, और उसके बाद B आपने जो लेना है, B हम साइन के बगैर लेंगे, तो ये कहा था ना yes. साइन के बगैर हम लेंगे, विदाउट साइन B ये है yes, B कहता हूँ, ठीक है। ये अब आपको ख्याल करना, क्योंकि देखिए ख्याल करने की बात क्या, उसने कहा भाई B साइन X, B तो B यही है ना भाई, B तो बस ठीक है, आर फाइंड आउट कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√2² √2² या अगेन, तो आपके पास आ जाएगा आर, आर ग्रेटर देन 0 और आर निकालने बताए क्या आएगा, आर मुझे बताइए निकाल, आर वैसे तो √5 आ रहा है, डेसिमल में कहा है, लेकिन फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहा है, हां तो बोलिए √5 क्या होता, 4 5 5 लिख, हां 2.236 राउंड कर दिया आपने, राउंड करके बताया ना, यस सर, ये तो चार, हाँ चार सिग्निफिकेंट फिगर, ओके ये आपने डिमांड की थी। टेन इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए भाई, टेन इनवर्स ये आपके, अच्छा वो मसला हल हो गया अपने का, साइन लेंगे नहीं, माइनस लेंगे या नहीं लेंगे, yes, नहीं लेंगे माइनस, एंड अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, अब फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, ये थोड़ा ट्रिक करनी पड़ेगी आपको, है भाई कर लेंगे इंशाल्लाह। ए क्या था भाई, ये था ए, ये रहा था 1/√2, ये ए था हमारा, ये ए है और ये बी है, तो 3/√2 डिवाइड बाई 1/√2 tan inverse, ये हो जाएगा जनाब 71.57 tan inverse √3 हो गया ना, कितना आई है जनाब 71.57 ओके ये आ गया जनाब, यार अल्फा 2 डेसिमल प्लेस का इन्होंने, यस सर, अच्छा 4 सिग्निफिकेंट वो बोला, 4 सिग्निफिकेंट वो बोला, 2 डीबी ये बोला, तो ओके भाई डियर फॉर, जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया प्रूफ, के शो करना था, बोल गया कॉस एक्स प्लस 45 मार्किंग से चेक कर लेते हैं माइनस अंडर रूट 2 साइन, देखा आपने ये कैसा घुमा के आया था सवाल ये, यस सर, है ना, तो यही देख लीजिए 2.236 कॉस, ये आर था ना, आर कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस 71.57 ये फॉर्म आ गई हमारी, ये हो गया ना पहले का आंसर, ये आर के फॉर्म में ले आए जनाब हम यहाँ पे, इस आंसर यही लाना था आपको आर के फॉर्म में, ये था ना, तो आर फॉर्मूला ये है, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, थीटा एक्स था अल्फा बोलते हैं, तो ओके भाई ये हो गया थोड़ा, सेकेंड पार्ट में आ जाऊँ भाई, हाँ यस
सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि एंड सॉल्व द इक्वेशन. ओके चलो मैं कॉपी लिख दूंगा, मैं भूल जाऊं. पार्ट टू एंड सॉल्व, क्या सॉल्व करना है भाई? कॉस एक्स प्लस 45 माइनस रूट टू साइन एक्स इक्वल्स टू टू, ये फाइंड करना है आपको, ये सॉल्व करना है. और रेंज दिया हुआ जनाब ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं. जब उन्होंने हैंस की बात कही है तो इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे आप इससे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2.236 कोसाइन एक्स प्लस 71.57 इक्वल्स टू टू. और रेंज को भी चेंज करना पड़ेगा, एंगल की रेंज को. और इसको क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा 0 x 60, ऐड करना पड़ेगा आपको 71.57. तो ये हो जाएगा 71.57 x प्लस 71.57 और 360 प्लस 71.57. ये याद रखिएगा रेंजेस की. ओके महादर कैलकुलेशन तो कर लीजिए. यस सर. इसकी क्या ये बताएं आप, सॉरी लिख रही होंगी, सॉरी बता दी थोड़ा सा टाइम. नहीं नहीं सर, 360 प्लस सर ये आया 431.57 431.57 ये आ गई जनाब इसकी नई एंगल के बारे में आ गई. अब हम इस पर काम करेंगे. ओहो तो जनाब और अपने जा रहे हैं इसको क्वेश्चन नंबर वन कह देते हैं, कॉपी किया हमने क्वेश्चन नंबर वन को यहाँ पे. तो 2.236 ये शोर तो नहीं आ रहा पीछे से, वो पंखे वंखे का फैन का नो सर हमिंग आती है ना वो. cos x plus 71.57 2 divided by 2.236 okay bhai cos inverse ha bhai x plus 71.57 equals to cos inverse kya aa gaya bhai bata dijiye zara 26.56 2 decimal place mein le lenge phir 1 decimal place mein answer de denge. ये गाना 26.56 ना. यस सर. फिर माइनस कर लिया नहीं. ओके इसको आप करेंगे अल्फा, इस पूरे को अल्फा ही अज्यूम करेंगे हम लोग. ओके भाई प्लॉट करते हैं रेंज का ख्याल कीजिएगा. 430 रेंज आ रही है हमारी, देखते हैं भाई. तो वो तो लिखा नहीं मैंने, क्या था यहाँ पर? कोसाइन, कोसाइन हमारे पास था पॉजिटिव. ये फर्स्ट में आएगा और फोर्थ में बता रहे हैं ना. यस. लेकिन फिर 360 ऐड होगा क्योंकि ये 360 से ऊपर जा रही है, नहीं 400 आ रही है ना. yes, जब ये फर्स्ट में फिर जब आएगा तो दोबारा 360 में ऐड करेंगे. तो ओके भाई फर्स्ट और फोर्थ अल्फा या प्लस 26.57 यहाँ पर आ गया और एक ही आ गया. ऑलराइट तो क्या आ गया भाई 3. हाँ एक एक्स प्लस 71.57 विल बी, एक तो ये आ गया 26.57 नहीं 26.57 लेंगे क्या रेंज का? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि ये 71.57 से रेंज स्टार्ट है, ठीक है ना? यस. हम करेंगे क्या लेंगे भाई, इसको हम नहीं लेंगे, हम ये वाली रेंज लेंगे, ये ले लेंगे और इसी में फिर
मजीद हम उसमें ऐड कर लेंगे जनाब 36.57। अच्छा नहीं एक मिनट, होता है क्या, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको बताऊँ। आप दोनों लेंगी पता है, दोनों लेंगी आप, रीज़न है उसका, रीज़न बता रहा हूँ क्या। ये आप दोनों लेंगी, ये भी लेंगे 26.57 और जनाब ये भी लेंगे, आप क्या लेंगे भाई 180 माइनस 26.57 कितना आ रहा है,386.57 देखा रेंज में आ गया ना यार आंसर, 26 को हम हटा दें और 153 में था 360 पॉइंट ऐड करिए, इस 513.43 या जाएगा कितना 513.43। तो अब इसका मतलब हमारे काम की जो चीजें हैं ना, काम की चीजें क्या हैं, ये वाली ये काम क्या हमारे पास, क्योंकि ये रेंज में आ रहा भी नहीं था, रेंज आ रहा है ना, इसकी रेंज क्या थी हमारी, कॉपी कर लेता हूँ दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऊपर है ना ये, इसको खा के नीचे ले आता हूँ, ठीक ये रेंज थी ना हमारी, देख रहे हैं आप ये रेंज थी हमारी, और तो राइट ये हम जो लेंगे ना फिर यहाँ पे फाइनल वो आ जाएगा कि भाई x प्लस 71.57 इक्वल्स टू ये लेंगे 153.43 लेंगे और एक लेंगे 386.57 क्योंकि ये रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। अब आप माइनस कर लें x को, x इक्वल टू 153.43 माइनस 71.57 ये हो जाएगा जनाब, और एक हो जाएगा 386.57 माइनस 71.57 क्या आ रहा है सबसे, या पहले वाले का 81.86 एक एक्स आ रहा है 81.86 आ रहा है और दूसरे वाले का एक आ रहा है 315। अच्छा भाई पूरा एग्जैक्ट ओके। अब एक्स की रेंज इन्होंने क्या दी थी उसको जरा हम कॉपी कर लेते हैं उठा के, जीरो टू 360 भाई, जीरो टू 360 ये तो एक्स था हमारे पास जीरो टू 360 ओके। फाइनल आंसर क्या आया फिर, ये दोनों आए थे 81। अच्छा एक गड़बड़ में ही लग रही है इसमें पता है सर, एक हमने एक तो पहले 180 माइनस 26.57 क्यों किया, वो तो साइन के लिए करते ना, अगर हम ये तो हम वो करेंगे ना 360 माइनस करेंगे जी 360 माइनस ये ना ये सेकंड के लिए मैंने किया 360 करेंगे ना हम, सॉरी बताइए 360 का क्या आया था, तभी मैंने कहा कुछ गड़बड़ लग रही है 333.43 या अब हम कहाँ चेंज करेंगे भाई, और मुझे कहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये सेकंड वैल्यू ये रही ये 386 को हटा के, नहीं सर 386 सही है, हां पहला 153 और गड़बड़ हो गया कार्ड देता हूँ उसके काम पर डील दे, पहले तो 26.57 वो तो लेंगे ना हम 386.57 लेंगे और 333.43 हाँ, क्योंकि ये रेंज में ये आ रहा है आपके पास, यस एक्स प्लस 71.57 की जो रेंज है 71 से लेके पॉइंट से लेके 431 पॉइंट समथिंग है, तो ये विद इन द रेंज आ रही दोनों वैल्यू, जो कि हमने ले ली थी गलत, ये आ रही है ना दोनों, ठीक है ना,
एक्स प्लस 71.57 क्योंकि ये रेंज ये रही आपके पास इक्वल्स टू यू नो क्या आएगा भाई 333.43 आ जाएगा और 386.57 आ गया। हाँ जी माइनस तो जरा करने के आएगा भाई आंसर एक्स का फटाफट माइनस 71.57 और इसको भी माइनस करें 386.57 माइनस 71.57 बताइए क्या आ रहा है वहाँ। हाँ हेलो आवाज आ रही है वहाँ। यस सर 261.9 ओके 0.9 और दूसरा 315 और माशाल्लाह से ये तो माम आपके रेंज के अंदर आ रहे हैं जनाब एक्स के रेंज में आ रहे हैं ये रेंज एक्स की ये एक्स की रेंज जो गिवन थी ऊपर तो ये जनाब ये सॉल्व हो गया सेकंड पार्ट भी हो गया आया था उनमें ये थोड़ा सा हमने मुश्किल से वाला था एक आसान हो गया था तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा इसको कैसे करना है कैसे हैंडल करना है।